Hey guys, how are you? I'm back with our today's topic, that is the control statements in Java. So the control statements are three types of control statements are present in the Java. That is our decision-making statements, our loop statements, and the jump statements. So what is the decision-making statements? Decision-making statements are nothing but our if-else statements. So the first question arises, what is if else questions, if else statements, sorry. So if else statements ये होता है कि अगर आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं घुसेगा, तो दूसरे ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, दैट इज आवर एल्स पार्ट. सो लेट्स चेक द So let's check the syntax of our if else statement. So there are three, four types of if else statement. That is our simple if that only contains of if statements, if block. Okay. What are the if block? Only if block. That is. That is our, and here will be our statements. Okay, so that is our simple if block. So what is if else block? This is if and this is our else part. Here will be our statement. So how a if else block runs? Suppose A equals to 5. Suppose A equals to 5. तो यहाँ पर कंडीशन है. यहाँ पर कंडीशन है अगर A equals to 5 हुआ तभी ये इधर का जो स्टेटमेंट है वो सब रन होगा. ओके okay. अगर इसका वैल्यू कुछ अलग सा हुआ, सपोज ये वैल्यू है एनीथिंग एल्स लाइक इसका वैल्यू है 6. सो ये तो इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि इफ का अंदर क्या है, इफ के अंदर कंडीशन है अगर ए का वैल्यू 5 हुआ तो. इफ का ए का वैल्यू 5 नहीं है, ए का वैल्यू है 6, सो तभी एल्स पार्ट में कंट्रोल आ जाएगा, इफ के अंदर नहीं घुसेगा. तो एल्स पार्ट का जो सब स्टेटमेंट्स हुआ वो स्टेटमेंट्स रन होगा. दैट इज द बेसिक इफ एल्स कंसेप्ट. ओके, सिंपल इफ में क्या होता है, बस एल्स पार्ट नहीं होता है, ओनली इफ पार्ट विल बी प्रेजेंट इन द कोड. एंड इफ एल्स में क्या होगा, इफ भी रहेगा एल्स भी रहेगा. सो व्हाट इज एल्स इफ? If else if ladder, if होता है if, else के बीच में होगा else if. ओके, सो क्या होता है, एक होगा if, उस दैट इज आवर if पार्ट, कंडीशन रहेगा else if, कंडीशन रहेगा, और ये होगा यहाँ पर इफ में भी कंडीशन रहेगा. और उसके बाद आप जिस जितना खुश आप एल्स इफ लगा सकते हो आपके रिक्वायरमेंट से. और उसके नीचे होगा, लास्ट में होगा एल्स पार्ट जिसके अंदर कुछ कंडीशन नहीं होते हैं. ठीक है, ये होता है हम लोगों का इफ एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स. दिस इज आवर इफ एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स. सो व्हाट इज आवर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट? सपोज इफ कंडीशन इसका अंदर में, इसके नीचे होगा एल्स, इसके अंदर में इफ होगा. ओके, इफ के अंदर इफ होने से आप उसको कहेंगे क्या, इफ.
अगर एल्स भी हो सकता है, इफ के अंदर एल्स इफ, सॉरी इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स नेस्टेड ब्लॉक। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये इसमें घुसेगा, इफ का अंदर में ब्लॉक में, तब यहाँ पर कंडीशन चेक होगा तो फिर ये इसमें घुसेगा। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ इफ में तो ये एल्स पार्ट को रन करेगा। ऐसे होगा इफ, अगर एल्स के अंदर में सेम हो सकता है इफ और एल्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो आई एम शोइंग यू सम एग्जाम्पल इन आवर आईडी, ओके। सो सपोज, जस्ट इंट इक्वल्स टू 7 एंड वी आर चेकिंग, ओके, एंड अनदर वेरिएबल इंट बी इक्वल्स टू 9, जस्ट चेकिंग इफ ए इक्वल्स टू बी, तो फिर क्या होगा? इफ ए इक्वल्स टू बी तो हम लिखेंगे जस्ट रन इट। एज इफ ए इक्वल्स टू बी नहीं है इसीलिए हम लोगों का कुछ आउटपुट नहीं आया। अब देखो, अब आउटपुट आएगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जस्ट सी, ए एंड बी, सॉरी इक्वल नहीं, ए एंड बी, जस्ट समथिंग एल्स, ए इज लेस देन बी, नाउ सेव इट एंड जस्ट रन इट। एज ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट रन हुआ। आप एल इफ के विदाउट इफ आप एल्स नहीं लिख सकते, बट विदाउट एल्स यू कैन राइट इफ। सपोज यू हैव एल्स पार्ट, सपोज कुछ और, जस्ट राइट नो एनीथिंग, और यहाँ पर जस्ट मैं एल्स ब्लॉक को रन होने के लिए मैं ये लिखा। देखो इसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ इसीलिए ये एल्स ब्लॉक में आ गया, और एल्स का अंदर में जो प्रिंट का स्टेटमेंट हुआ वो रन हुआ, और हियर इज आवर आउटपुट, दैट इज आवर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ के अंदर भी इफ हो सकते हैं, एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग माइट पॉसिबल, ओके। तो आपने इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिया, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज आवर लूप स्टेटमेंट्स। सो ये लूप होता क्या है? बेसिकली आप सोचो कि मैंने आपको बोला कि जस्ट राइट योर नेम वंस और ट्वाइस, तो आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला कि 100 टाइम्स अपना नाम लिखो, तो आप लिख सकते हैं, वो भी आप लिख देंगे। अगर मैं आपको बोला कि आप 10,000 टाइम्स अपना नाम लिखो, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल बाय आवर हैंड्स, मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है। तभी इन दिस सिनारियो लूप स्टेटमेंट्स और लूप कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग। सो लूप में क्या होता है, आप एक कंडीशन डालो, आप कुछ डालो और कुछ काम बोलो, वो हो जाएगा।
मैं आपको एग्जांपल बाद में दिखा रही हूँ। तो आप ये यहाँ पर देखो कितना लूप्स है, तीन लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो ये होता क्या है एग्जैक्टली? फॉर लूप आप कब यूज करोगे, व्हाइल लूप आप कब यूज करोगे, डू व्हाइल लूप, इसका एक पर्टिकुलर काम तो है ना, इसीलिए तीन लूप सिनारियों में आया, नहीं तो एक ही लूप होता कि एक ही लूप करो और एक ही लूप के अंदर सब कुछ डालो। देखो फॉर लूप में होता क्या है, जब आपको कितने बार आइटरेट करना है, मतलब लूप को कितने बार घुमाना है, ये जब आपको पता चल जाएगा तब होगा फॉर लूप। सपोज यू नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी आइटरेटेड, तब आप फॉर लूप यूज करो, दैट विल बी इजी फॉर यू। सपोज यू आर डूइंग सम बूलियन, इफ यू हैव सम बूलियन कंडीशंस, व्हाट आर द बूलियन कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स। सपोज इन सपोज यू आर राइटिंग द कंडीशन व्हाइल, ये होता है व्हाइल का सिंटेक्स। सपोज दैट मींस एन का वैल्यू जब वन से बढ़ा होगा, दैट मींस दिस वैल्यू विल बी ट्रू। अगर ये ट्रू होता है तभी ये ब्लॉक रन होगा। अगर ये फॉल्स होता है, सपोज एन का वैल्यू है 0, दैट विल बी स्मॉलर देन वन, दैट देन द दिस लूप विल बी नॉट बी आइटरेटेड। जब भी वन होगा एन का वैल्यू तभी ये आइटरेट होगा। जब आपको ऐसा सिंटेक्स, ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा तब आप व्हाइल लूप करोगे। एंड सेम डू व्हाइल लूप भी सेम है व्हाइल के तरह, बस बेसिक डिफरेंस क्या है, डू का सिंटेक्स होता है डू, फिर उसके बाद ये लूप एक बार भी आइटरेट होगा उसके बाद सेम एज व्हाइल। सो बेसिक डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर कंडीशन होगा। सो बेसिक डिफरेंस क्या है व्हाइल एंड डू व्हाइल में, अगर व्हाइल में एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक बार भी लूप आइटरेट नहीं होगा, ठीक है? बट अगर आपको तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ व्हाइल एंड डू व्हाइल में, व्हाइल में आपका एक बार भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक बार भी ये लूप आइटरेट नहीं होगा। और डू व्हाइल में क्या होगा, एक बार तो लूप आइटरेट हो ही जाएगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगा, नेक्स्ट टाइम वो आइटरेट नहीं होगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल। एंड फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर देयर विल बी अ कंडीशन, देयर विल बी अ आई इक्वल्स टू वन, दैट इज यू आर इनिशियलाइजिंग समथिंग अ वेरिएबल विद द वैल्यू, एंड आई यू आर चेकिंग इज इट इज दिस कंडीशन इज वैलिड और नॉट। सपोज आई इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड यू आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई, जस्ट सी हियर द प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट कंसेप्ट्स आर यूज्ड। दिस इज अवर पोस्ट इंक्रीमेंट, ओके? वी डिस्कस अबाउट द प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन आवर प्रीवियस वीडियो, जस्ट इफ यू डोंट सी इट, अभी तक अब वॉच नहीं किया तो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो, ओके? हियर देयर आपको ये प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज द सिंटैक्स ऑफ आवर फॉर लूप, व्हाइल एंड डू व्हाइल हमने तो डिस्कस कर ही लिया। तो अब
क्लियर है लूप का कंसेप्ट? नाउ गो टू द आईडी। सपोज यू वॉन्ट टू प्रिंट योर नेम 10 times, ओके? We just print the value of i. Normal thing, not our name. तब आपको समझ में क्लियरली आएगा। जैसे 1 to 10 is printed. Suppose I tell you to print 100 till 100. Just run it. Just see, 100 values are printed in a second. Okay. So that's why the loop concepts have come into the picture. So आपको समझ में आ गया क्यों लूप हम यूज करते हैं? क्योंकि आपको आइटरेशन का लिमिट पता है, इसीलिए आप फॉर लूप यूज कर रहे हैं। एंड लूप का कंसेप्ट तो पता चल गया कि अब देखो 1 से 100 तक वैल्यू आप एक चुटकी में प्रिंट कर दिया। ओके, सो अब देखते हैं व्हाइल लूप। यहाँ पर आपको इन का वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, ओके? यहाँ पर आपको इन का वैल्यू इंक्रीमेंट करना है। जस्ट सी द आउटपुट। जस्ट सी, दिस इज द वैल्यू दैट इज 5। जैसे इसको 1 कर दीजिए और रन कीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 इज प्रिंटेड। क्योंकि पिछले बार क्यों 5 आया? क्योंकि एन का वैल्यू 5 था और वो एक बार ही रन किया ये लूप। जब आपका एन का वैल्यू 1 हुआ तब ये 5 times रन किया। ओके, व्हाइल लूप में भी सेम होता है, जस्ट सॉरी, डू व्हाइल लूप में भी सेम होता है, बस डिफरेंसेस एक बार आपको व्हाइल जो कंडीशन हुआ वो एंड में रहता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, दैट इज जंप स्टेटमेंट्स। सो व्हाट इज जंप स्टेटमेंट? वी हैव टू जंप स्टेटमेंट्स इन आवर जावा, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो व्हाट इज कंटिन्यू एंड व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक कब हम लोग यूज करते हैं? ब्रेक तब यूज करते हैं जब आपको लूप से डायरेक्ट बाहर जाना है, लूप और आइटरेट नहीं होगा। ओके, और कंटिन्यू कब होता है? जस्ट यू जस्ट वॉन्ट टू स्किप 1 iterate ओनली, 1 iteration। ओके, जस्ट यू जस्ट स्किप 1 iteration, देन यू कैन यूज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, जस्ट सी टू द आईडी, मूव टू द आईडी। हाँ, दैट इज फाइन। ओके, सपोज ब्रेक, देखो बस ब्रेक हो गया, एक बार हुआ, नेक्स्ट बार आइटरेट नहीं हुआ, ब्रेक कंटिन्यू करो। ओके, दिस इज आवर ब्रेक पॉइंट। जस्ट सी, ब्रेक आई थिंक समझ में आ गया कि
एक बार ये ब्रेक पॉइंट आ गया ना, ये डायरेक्ट लूप से बाहर हो जाएगा, और कुछ लूप से ही बाहर होगा और कहीं से नहीं। सपोज यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं, नाउ जस्ट रन इट, ये लूप से बाहर होगा। नॉट फॉर द फ्रॉम द प्रोग्राम, जस्ट सी दिस लूप से बाहर हो गया। प्रोग्राम से बाहर होता तो ये भी रन नहीं होता, बट ये रन हुआ मतलब लूप से बाहर हुआ है, नॉट फ्रॉम द प्रोग्राम। नाउ जस्ट चेक अबाउट द कंटिन्यू स्टेटमेंट, वॉट इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट? यहाँ पर एक इफ लगा दो, इफ एन इक्वल्स टू 3, जस्ट कंटिन्यू, तब क्या होगा? जस्ट देखो, ओप्स, क्या हो रहा है यहाँ पर? सॉरी माय मिस्टेक, ये क्यों हुआ पता है? बस हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट आगे लगा दिया था, दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई ये हुआ है। नाउ जस्ट रन इट एंड सी द डिफरेंस, 1 एंड 2, 1 एंड 2 प्रिंट हुआ। ओके, सो कंटिन्यू एंड ब्रेक आपको समझ में आ गया? वॉट इज कंटिन्यू? कंटिन्यू इज नथिंग बट एक आइटरेशन को स्किप करेगा, और ब्रेक क्या होता है? ब्रेक होता है बस पूरा आइटरेशन ही स्टॉप कर देगा, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड स्टेटमेंट। सो हमने क्या क्या पढ़ा आज? बस हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, दैट इज आवर इफ स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ एल्स, एंड आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट द लूप्स एंड देन द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। दैट्स ऑल अबाउट टूडे। तो कल मिलते हैं किसी और एक वीडियो पर, इस जावा ट्यूटोरियल पे। टिल नाउ, बाय बाय।